तो गाइस आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस। देखते हैं हमारी फॉर्च्यूनर जीतेगी या डिनो की मस्टैंग। और अब मस्टैंग के सामने तू ना ही टिक पाएगा। तुझे पता नहीं है मेरी गाड़ी में बूस्टर लगे हैं, यू जीत जाऊंगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। और वो ना मम्मी पापा मुझे राक्षस बोलते थे क्योंकि मैं रोज 12-1 बजे उठता था। इसलिए मैं ना आज सुबह सुबह जल्दी 11 बजे उठ गया। तो मम्मी ने आज मेरे लिए फिर से लहसुन के परौठे बनाए है। तो अब मैं नहा धो के खाना खा के जल्दी जल्दी ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गाइस तो अभी ना मैं रेडी होके आ गया हूँ, पर यार एक दिक्कत हो गई है। मैं आज सुबह जल्दी उठ गया तो पता नहीं चल रहा है यार क्या करूँ, मेरे को टाइम पास करना है। तो चलो फैमिली मेंबर्स आप ही बताओ मैं क्या करूँ यार, इतनी जल्दी उठा दिया मेरे को। अच्छा जल्दी उठ गया है तो जिम चला जा, वहाँ जाके बॉडी बना मेरी तरह। अरे नहीं यार, मेरे को बॉडी नहीं बनानी, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। पापा आप बताओ आप क्या करते हो सुबह उठ के? अरे बेटा, जब मैं थारी उम्र का था तब दूसरों के खेतों में सुबह उठ के आम तोड़ने जाता था। पापा इसको तो सॉरी करना कहते हैं और मैं ऐसी छोटी मोटी नहीं करता। ताऊजी आप बताओ। अरे बेटा, मैं तो रोज सूखा पेट्रोल डलवा के गांव में गेड़िया मारता हूँ। ताऊजी यार थोड़ा उम्र का लिहाज करो, मैं करूँ तो सही है समझ सकते हैं, पर आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। चलो आदम सासा आप बताओ आप क्या करते हो सुबह उठ के? अरे मैं तो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, तू भी आ जाना, हम दोनों साथ में करेंगे। अरे यार ये सब मेरे टाइप की चीजें नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। सर मेरे भाई पिगू तू क्या करता है सुबह उठ के? मैं भी वही करूँगा। ओए मुझे तो रोज सुबह उठ के मेरी बाबू का कॉल आता है, मैं तो बात करता रहता हूँ, टाइम पास हो जाता है। ये हुई ना बात, मैं भी रोज सुबह उठ के यही करूँगा। पर एक सेकंड यार, मेरे पास तो बाबू ही नहीं है। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। अरे कोई ना, तू रोज सुबह उठ के मेरे लिए मार्केट से वो चीज ले आना, बीमा। और गाइस मैं तो आपको बताना ही भूल गया, फियरलेस भाई अपना वॉइस रिवील करने वाले हैं। तो कमेंट में चैनल का लिंक पिन है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे ही वहां 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फियरलेस भाई वहां गेम प्ले वीडियो डालेंगे। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और बाबू मोसाई, वो तेरा कोई पार्सल आया है? अरे गाइस मैं तो भूल ही गया, मैंने तो एक महंगा वाला ड्रोन मंगवाया था ताकि उससे मैं आपको बहुत ऐसे सिनेमेटिक शॉट दिखा सकूं। तो सड़ो मैं अब इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। अरे गाइस यार हमारे साथ तो स्कैम हो गया है, ये देखो हमें टूटा हुआ ड्रोन दिया है। इसीलिए गाइस मैं ना ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदता, पर आप टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई इस ड्रोन की कंपनी वालों पे केस कर देगा। और बाबू मोसा, ये टूटा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही आता है, इसे हमें ज्वाइन करना पड़ता है। अच्छा ये बात है, कोई ना मैं पिगू को बोल दूंगा, ये वाली लाइन कट कर देगा। और सर यार तुझे आता है ना तो तू इसे अच्छे से फिट कर दे। तो गाइस फाइनली मैंने ना दूसरा ड्रोन मंगवा लिया है और ये देखो सही आ भी गया। तो चलो गाइस अब हम इसको उड़ा के टेस्ट करते हैं कि कैसा है। अरे वाह यार ये तो एकदम ओपी उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अब मैं ना एक काम करूंगा, रोज इस पे बैठ कर गाँव में गेड़िया मारा करूंगा। और नहीं बाबू मोसाई, तू इसके ऊपर बैठेगा तो ये टूट जाएगा। हाँ सही कहा, तो एक काम करूंगा मैं ना रोज इससे सबके घरों में जाका करूंगा कि सब क्या कर रहे हैं। और बाबू मोसाई तो अपने घर से ही शुरुआत करना, देखना आडम चाचा क्या कर रहे हैं ऊपर वाले कमरे में। हाँ रुक, अभी ड्रोन से देखता हूँ क्या कर रहे हैं वो। नहीं, तुम चाय में शक्कर ज्यादा मिला देती हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है, मेरे पापा ने पहले से ही लड़का ढूंढ रखा है और वो इंजीनियर है। और बाबू मोसाई, चाचा तो फिर से घर घर खेल रहे हैं छोटू के साथ। अरे सुनो पुलिस आ गई पुलिस, जो भी सासा लोग बच्चों के साथ घर घर खेल रहे हैं उन्हें अरेस्ट कर रहे है भाई। रुक नुबड़े क्रिमिनल, अभी तुझे बताता हूँ, वही रुक। अरे बाबू मोसाई भागो, सासा वन टैप मार देगा। अरे हाँ इपू सर भाग जाते हैं, वैसे भी मुझे आज मार्केट में जाना है। अच्छा क्या कोई चीज खरीदनी है क्या? अरे नहीं यार, फॉर्च्यूनर में पेट्रोल खत्म हो गया है, वही भरवाना है। अरे यार मैं तो अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया। हिपू तेरे पास वॉलेट है ना टेढ़ा? हाँ बाबू मोसा है ना, मैं अपना वॉलेट तो अपने साथ लेकर ही घूमता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, सड़ो मैं इस वाले पेट्रोल पंप से फुल टंकी करवा लेता हूँ। ओए सुन चल पेट्रोल डाल, फुल टंकी कर दे। अरे हाँ पर तू पहले पैसा दे, तू हर बार पैसा दिए बिना ही भाग जाता है। हाँ ठीक है
ठीक है देता हूँ। रिपो साढ़े 5,000 रुपए दे दो। अरे बाबू मोसाई पैसा नहीं है मेरे पास। सारे झूठ क्यों बोल रहा है, वॉलेट तो है तेरे पास। अरे बाबू मोसाई वो तो सिर्फ वॉलेट है, पैसा थोड़ी है उसमें। अरे सुनना मेरे भाई, पैसा बाद में दे दूंगा। हाँ ओ भाई ये देखो, ये तो मस्तंग आगो है। अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त डीनो है सर, अभी मैं तेरे को पैसा दिलवाता हूँ, पेट्रोल भर दे। अरे ये तो क्रिमिनल की कार है, वो क्रिमिनल पहचाना की नहीं। अरे मेरे भाई डीनो तुझे कैसे भूल सकता हूँ। सुनना यार मेरे को एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे 5,000 रुपए देना, मैं बोले थे घर पे भूल गया। साला तू आज भी वैसे का वैसा कमीना ही है, देता हूँ। अरे थैंक यू। वैसे तू आजकल क्या कर रहा है? मैं ना एक छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। अरे तो फिर हमें भी ले ले अपने ब्लॉग में। हाँ यार क्यों नहीं, जरूर। गाइस तो भी मैं आया था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, और यहाँ मुझे मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड डीनो मिल गया। हाँ गाइस मैं और क्रिमिनल एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर बैठते थे। यह क्रिमिनल जब पैंट में सुसु करता था तब मैं ही इसको घर पे छोड़ने जाता था। अरे गाइस ये झूठ बोल रहा है, इसको स्कूल से बंक मारना था इसलिए ये मेरे बहाने बनाता था। यहाँ पर हमारी दोस्ती गमार की तो थी, खाना मैं खाता था और टट्टी इसको लगती थी। क्रिमिनल ये देख तेरे भाई ने मस्तांग ले ली, कैसी है? अरे वाह मस्तांग तो बहुत अच्छी है। सुन मेरे पास एक आइडिया है, तेरी मस्तांग की और मेरी फॉर्च्यूनर की ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ ये मस्त आइडिया है, मजा आएगा, चल करते हैं। चलो बाबू मोसाई 1, 2, 3 भागो नु ब्रो। अरे क्रिमिनल रेस तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि मेरी मस्तांग के सामने तेरी फॉर्च्यूनर नहीं टिक पाएगी। रुक सारे अभी बताता हूँ तुझे। हाँ क्रिमिनल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अरे गाइस अब टाइम आ गया है हमारी फॉर्च्यूनर का बूस्ट चढ़ाने का। अरे अरे ये का है, इतनी तेज कैसे भगा रिया है साला? पंछी बनू उड़ता फिरू। हाँ इससे तो कार संभाली ही नहीं गई। अरे यार इसका बूस्ट तो बंद ही नहीं हो रहा। अरे सकुरा भाई किसने उड़ाया तेरे को, नाम बोल अभी साले का गेम बजाते हैं। अरे भाई यही तो नहीं पता ना, मैं तो गाना गा रहा था पीछे से आके उड़ा दिया। अरे भाई लगी नहीं ना तेरे को ज्यादा? ओए सकुरा इस लाल टट्टी ने उड़ाया क्या तेरे को, अभी साले का गेम बजा देता हूँ। अरे भाई यही तो नहीं पता ना मुझे के वो कौन था। अरे वो मैं नहीं था, हिप हॉप था, मुझे भी उसने उड़ाया सकुरा के बाद। अपने आदमी लोग को बोल दो जहाँ हिप हॉप दिखे वहीं उसे दबोच ले। अरे गाइस बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, वो सकुरा के आदमी ढूंढ रहे हैं हिप हॉप को, तो अभी मैं सोटू और हिप्पू तीनों मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे आ गए हैं। अभी मैंने हिप्पू को वो बात बताई नहीं है क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने उसे बोला है कि फार्म हाउस पे नहाने जाना है, इसलिए वो मेरे साथ आ गया। और क्रिमिनल तू तो यार बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बोला था, पर ये तो छोटा सा फाउंटेन है। अबे स्विमिंग पूल में तो बच्चे भी नहाते हैं, इसलिए हम फाउंटेन में नहाने आए हैं। सही है छोटू, पर तू अपना दूसरा डायपर तो लाया है ना, क्योंकि ये तो गीला हो गया। अरे नहीं रे तू उसकी टेंशन मत ले, ये वाटर प्रूफ डायपर है। अरे वो देखो छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है। अरे गर्ल्स मैं क्यूट नहीं, हैंडसम हूँ, माइंड इट। अरे इसकी तो वॉइस भी बहुत क्यूट है। थैंक यू गर्ल्स, वैसे आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो, क्योंकि कल मैं फ्री हूँ तो सोचा आप किसी के साथ जाके फिल्म देखा हूँ। हाँ क्यों नहीं ले लो मेरा मोबाइल नंबर। अरे गर्ल्स मेरी मम्मी बोलती है कि मैं भी बचपन में बिल्कुल छोटू की तरह ही दिखता था, तो आपका क्या इरादा है? अरे ये कौन है बदतमीज, बिल्कुल सुअर जैसा दिखता है। अरे ये क्या बात हुई यार, छोटू से तो ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिखता हूँ मैं। अबे चला जा नूबड़ी के। गर्ल्स मेरे से छोटू की खुशी देखी नहीं गई इसलिए मैं घर आ गया। वैसे हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? अरे वो एक सीरीज है मिर्जापुर।